Hello students, my name is Rajkumar and welcome to the Akashdeep online classes. So today's topic we will study about second method of evaluation of integration, that is substitution method. The first method we already seen together, that is using standard formula and basic manipulations. ठीक है, तो ये method है substitution method. तो अपन देख लेंगे कि substitution method का use करके अपन कोई integration को किस type से solve करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसका थ्योरी देखते हैं. लेट्स से मेरे पास एक इंटीग्रल दे रखा है, लेट्स से इंटीग्रल एफ ओ एक्स डी एक्स, इसका आंसर दे रखा है जी एक्स प्लस सी. ठीक है, ये तो मेरे को दे रखा है कि एफ एक्स का इंटीग्रल क्या है मेरे पास से जी एक्स. अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक इंटीग्रल कंसिडर किया, दैट इज लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल f of h x into h dash x dx. ठीक है, ठीक है, तो i equals to integral f of h x h dx x dx. अब इसमें मैंने क्या किया, जो h x है इसको मैंने दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस किया. सो आई कैन से नाउ पुट h x equals to t. ठीक है, अब मैंने दोनों साइड डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, दैट इज डी ऑफ एच एक्स इक्वल टू डी टी. अब किसी भी एलिमेंट का डिफरेंशियल एलिमेंट निकालने बता रखा है. सबसे पहले तो जो अंदर आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख दिया, और जिस भी वेरिएबल के सापेक्ष अपन डिफरेंशियल एलिमेंट निकाल सकते हैं निकालना है उसका डिफरेंशियल एलिमेंट लिख दिया. तो एच डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इसका आंसर लिखना है डी साइन एक्स, तो सबसे पहले तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दिया, दैट इज कोस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स. इसी टाइप से लेट से मेरे को डी ई पावर एक्स निकालना है, तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, दैट इज ई पावर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स. ठीक है, अब इस इंटीग्रल को मैंने ध्यान से देखा, तो इसमें मेरे को ये मिला कि एफ एच ऑफ एक्स की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ टी, तो यहाँ पे मैंने टी रिप्लेस कर दिया, और एच डैश एक्स इंटू डी एक्स इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ डी टी. ठीक है, अब यहां से दिख रहा है कि ये ऊपर जो कंबर्सम सा एक्सप्रेशन था वो एक सिंपलीफाई होकर सिंपल से इंटीग्रल बन चुका है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी डी टी. और यहां से अपन पहले बोल चुके हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल एक्स है तो आंसर जी एक्स प्लस सी आ रहा है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी होगा तो आंसर क्या आएगा जी ऑफ टी प्लस सी. ठीक है, तो इस टाइप से अपन सब्स्टिट्यूशन का यूज करके एक जो भी एक्सप्रेशन होता है इंटीग्रेट होता है उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, और जो भी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होने के बाद में आता है उसमें या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाता है या फिर कुछ बेसिक मैनिपुलेशन होके अपन उसका इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अपन कर क्या रहे, हियर वी आर, हियर वी आर चेंजिंग द इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, हियर वी आर चेंजिंग द इंटीग्रेटिंग, here we are changing the integrating variable in order to simplify, here we are changing the integrating variable to simplify our integrand. ठीक है, अपन क्या करें integrand को simplify करने के लिए integrating variable को change करें. पहले integrating variable x था, उसके बाद में t कर दिया, अब एक बार मेरे पास यहाँ पे gt आ गया, जबकि final answer मेरे को किसके terms में चाहिए x के terms में, तो फिर मैंने t की जगह वापस बेक सब्स्टिट्यूट कर दिया h of x, तो फाइनल आंसर क्या है g of hx plus c. ठीक है, तो बीच में t इंट्रोड्यूस कराने के पीछे पर्पज क्या है, t इंट्रोड्यूस कराने के पीछे पर्पज ये है कि बाद में जो सिंप्लीफाई होकर मेरा इंटीग्रेट बनेगा वो इतना इजी हो जाएगा कि उसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं या फिर बेसिक मैनिपुलेशन का यूज करके अपन उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. एक बार टी के टर्म्स में आंसर आ गया, फिर टी की जगह अपन वापस डेट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स के टर्म्स में, और फिर वो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इसको अपन एग्जांपल की हेल्प से समझने की ट्राई करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल है इंटीग्रल साइन ऑफ साइन कोस एक्स, और यहाँ पे क्या दे रखा है साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि cos x को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या है sin x dx, माइनस साइन तो एडजस्ट हो जाएगा, बट cos x का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या मिल रहा है माइनस साइन x, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, पुट cos x इक्वल टू t,
cos x को t सब्स्टिट्यूट किया तो मैंने दोनों साइड डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, डी ऑफ cos x इक्वल टू dt, cos x का डिफरेंशिएशन किया दैट इज माइनस साइन x, और यहाँ पे क्या आएगा dx इक्वल टू dt, तो माइनस को उधर उधर ट्रांसफर किया, फ्रॉम हियर आई विल गेट साइन x dx इक्वल टू माइनस ऑफ dt। तो अब इस इंटीग्रल की तरफ ध्यान से देखा, इंटीग्रल साइन cos x, cos x की जो हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं t इंटू साइन x इंटू dx की जो हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ऑफ dt। अब माइनस तो कॉन्स्टेंट है, माइनस को इंटीग्रल साइन के बाहर ले लिया, सो आई विल गेट माइनस ऑफ इंटीग्रल साइन t dt, ठीक है माइनस। साइन t का इंटीग्रल क्या होता है, साइन t का इंटीग्रल होता है माइनस cos t, और फाइनली क्या ऐड कर देंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट cos t प्लस c, ठीक है। जबकि अपना स्टार्टिंग में वेरिएबल इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या था x, तो अपने को x के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो t को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, t को वापस बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया cos x से, सो आई विल गेट i इक्वल टू cos t की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया cos x, और फाइनली प्लस c, तो ये मेरा यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 बोल रहा है इंटीग्रेट x क्यूब अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4 dx, इसको इंटीग्रेट करना, तो यहाँ से मेरे को ये सिर्फ सोचना है कि मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूँ ताकि उसका डिफरेंशिएशन मेरे को न्यूमेरेटर में मिल जाए। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं 1 प्लस x पावर 4 को 3 सब्स्टिट्यूट कर दूँ, इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या मिलेगा 4 x क्यूब, तो 4 तो कॉन्स्टेंट है उसको तो एडजस्ट कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमेरेटर में जनरेट हो जाएगा, तो वो भी dx के साथ में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, पुट 1 प्लस x टू द पावर 4 इक्वल टू t, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशियल एलिमेंट लिया d 1 प्लस x पावर 4 इक्वल टू dt, तो 1 का डिफरेंशिएशन किया 0, x पावर 4 का डिफरेंशिएशन किया 4x क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा dx इक्वल टू dt, सो फ्रॉम हियर x क्यूब dx कितना आ जाएगा मेरा दैट इज dt बाई 4। अब इस इंटीग्रेशन की तरफ ध्यान से देखा, इंटीग्रल x क्यूब इंटू dx की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ dt बाई 4, 4 एक कॉन्स्टेंट है तो इसको इंटीग्रल साइन के बाहर लिया डिवाइडेड बाई 1 प्लस x पावर 4 को अपन t से रिप्लेस कर दिया, तो ये तो बहुत ही सिंप्लीफाई होके स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया दैट इज 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज ln mod t, और फाइनली प्लस c। अब मैंने क्या किया, मेरे को फाइनल आंसर किसके टर्म्स में चाहिए x के टर्म्स में, तो t को वापस बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 प्लस x टू द पावर 4 से, सो माय फाइनल आंसर विल बी 1/4 * ln mod 1 प्लस x पावर 4 प्लस c, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 3, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 से इंटीग्रेट e टू द पावर e पावर x प्लस x * dx। सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सपोनेंट के ऊपर दो पावर ऐड कर रखी है, तो दो पावर ऐड करेंगे तो उसको इस टाइप से अपन ब्रेक कर सकते हैं e टू द पावर e x * e टू द पावर x dx, ठीक। अब क्या होता है, जो e के ऊपर जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर लगा के e टू द पावर x, उसको मैंने क्या पुट कर दिया t, तो पुट e टू द पावर x इक्वल टू t, दोनों साइड डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया, या फिर ऐसे बोले दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और यहां पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का डिफरेंशियल एलिमेंट दैट इज dx इक्वल टू t का डिफरेंशियल एलिमेंट dt, ठीक है। तब इस इंटीग्रेशन को देखा, e टू द पावर e पावर x की जगह तो मैंने क्या पुट कर दिया t, और e टू द पावर x * dx इससे रिप्लेस कर देंगे dt से। अब ये अगेन स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज e टू द पावर t, और फाइनली प्लस c। अब t को मैंने वापस x के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया, तो e टू द पावर x प्लस c, तो जो फाइनल मेरा आंसर है i इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट 10 पावर 5 x sec स्क्वायर x * dx, ठीक है। अब मेरे को यहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, अब यहां पे साफ दिख रहा है कि अगर 10x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx के साथ में मल्टीप्लाई मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया, पुट 10x इक्वल टू t,
अगर टेन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट किया है तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब देखा क्या आएगा, टेन एक्स में टी पुट कर दिया तो ये तो गया टी टू द पावर फाइव, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, डी टी। अब ये तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज x टू द पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये हो जाएगा t टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू t टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। अब फाइनल आंसर x के टर्म्स में चाहिए तो t को x सब्स्टिट्यूट किया इन टर्म्स ऑफ x, तो t की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा 10x, तो ये हो गया 10x पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। Let's move to the example number 5. Example number 5 says I equals to integrate x over 1 plus root x dx. अब यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो मेरे को कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि जिसको मैं t put करूँ और उसका differentiation मेरे को मिल जाए, root x वगैरह मैंने t put किया तो root x का differentiation होता है 1 over 2 root x, ठीक है। तो किस टाइप में उसमें अपन क्या करते हैं, जब भी मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है तो उसमें मेरे पास रेडिकल साइन आ रहा है, रेडिकल साइन मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर ऐसे फ्रैक्शन आ रही है 1/2, 1/3, 2/5, 9/4 समथिंग लाइक दैट, तो उस रेडिकल साइन से अपन छुटकारा पाने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे रूट एक्स है तो एक्स की पावर 1/2 है, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया ताकि रेडिकल साइन से छुटकारा मिल जाए, मैंने एक्स को पुट कर दिया एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स इक्वल टी स्क्वायर पुट करूंगा तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हियर आई विल गेट टी, रेडिकल साइन दिया सॉरी दोनों साइड के लिए डिफरेंशिएट, सो डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और यहाँ पे डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की तरफ गए, एक्स की जगह तो मैंने रिप्लेस कर रखा है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स, रूट एक्स की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे टी, और डी एक्स की जगह मेरे को क्या रिप्लेस करना पड़ेगा 2t इंटू डी टी, ठीक है। ये 2 बाहर आ जाएगा, सो फ्रॉम हियर यू गेट 2 इंटीग्रल टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1 dt, ठीक है। अब इसमें क्या किया, अब नीचे डिनोमिनेटर वाला t प्लस 1 ऊपर मेरे को अगर जनरेट करना है, ऊपर जनरेट कैसे करेंगे, मैंने क्या किया t क्यूब में 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो फ्रॉम हियर आई गेट t क्यूब प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 1 कर दिया, सो t क्यूब प्लस 1 में फॉर्मूला लग जाएगा दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, होप ऑल ऑफ यू नो दैट इज a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे अपने ये फॉर्मूला यूज किया है दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब टी प्लस 1 को दोनों के नीचे सेपरेटली ब्रेक करके लिखे, सो फ्रॉम हियर आई गेट 2 टाइम्स t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो बचेगा मेरे पास t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, ठीक है, dt माइनस यहाँ पे अगर t प्लस 1 के नीचे लिखेंगे तो आई विल गेट dt अपॉन t प्लस 1, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 माइनस t का इंटीग्रेशन करना है दैट इज t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t माइनस, ये 1 अपॉन लीनियर लिखा है, लीनियर को अपन एज ए बी एक्स ट्रीट कर सकते हैं, ये तो ऐसे समझो कि 1 ओवर x लिखा है, 1 ओवर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दैट इज ln x दैट इज ln mod x, तो x की जगह क्या है t प्लस 1। अब लीनियर में अपने को एक चीज ध्यान में रखनी होती है दैट इज वी डिवाइड द इंटीग्रल बाय कोएफिशिएंट ऑफ t, तो यहां पे वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 से डिवाइड करने पर फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे फाइनली क्या ऐड करेंगे प्लस c, ठीक है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके तो फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा 2/3 t क्यूब माइनस 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 2t माइनस 2 टाइम्स ln mod t प्लस 1 प्लस c। जब ये फाइनल आंसर नहीं है, मैंने जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या था x, so I have to convert t into x, और अपने को पता है x को मैंने किससे रिप्लेस किया था t स्क्वायर से, तो t का वैल्यू यहाँ से क्या जाएगा x टू द पावर 1/2, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ t नजर आ रहा है वहाँ पर मेरे को क्या सब्सिट्यूट करना है दैट इज x पावर 1/2, सब्सिट्यूट किया 2/3 t की जगह 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस t स्क्वायर की जगह x
प्लस टू टाइम्स ठीक की जगह एक्स पावर ऑफ वाई टू मतलब रूट एक्स माइनस टू टाइम्स एल एन मोड रूट एक्स प्लस वन प्लस सी ठीक है। तो ये इसका आंसर आ चुका ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अपन जो भी सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम क्या है, मेरे को कैसे क्लिक करेगा कि किस चीज को क्या पुट करना है ताकि मेरा आंसर आ जाए। एक तरीका तो ये कि तुम पुट करके देख लो, पहले पुट किया वो सेट नहीं हुआ, दूसरा पुट किया तीसरा नहीं हुआ, और दूसरा जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे तुम्हें ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा किस चीज को क्या पुट करना है ठीक है। फिर भी फॉर कन्वीनियंस सेक आई एम लिस्टिंग डाउन सम 5-6 पॉइंट, इफ यू फॉलो दिस पॉइंट तो कुछ क्वेश्चनों में अपनी हेल्प हो सकती है। अपन ऐसे बताने की लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, जैसे रेडिकल साइन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है रूट एक्स तो रेडिकल साइन रिमूव कैसे होगा कि एक्स को टी स्क्वायर पुट कर दिया, कहीं ऐसा लिखा गया एक्स पावर 1 बाय 9 तो मैं आई कैन थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू टी पावर 9 तो वहां से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो यहां पे अपन कुछ पॉइंट्स दिखा रहे हैं, दैट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में फर्स्ट पॉइंट है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन वी ट्राई टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड मतलब जिस फंक्शन का अपने को इंटीग्रेशन निकालना है ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि फिर उसका सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है उसका इंटीग्रेशन अपन इजीली कैलकुलेट कर पाए ठीक है। सेकेंड पॉइंट है रिमूव रेडिकल साइन यूजिंग अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन ठीक है सब्स्टिट्यूशन। और अपन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इफ परजेंट, अगर है ही नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, अगर परजेंट है उसमें तो उसको अपन रिमूव करने की कोशिश करेंगे। रेडिकल साइन मतलब रूट एक्स हो गया, एक्स टू द पावर 1 बाय 3 हो गया, एक्स पावर 9 बाय 4 हो गया, एक्स टू द पावर 5 बाय 11 हो गया, इस टाइप की चीजों को अपन रिमूव करेंगे यूजिंग अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। जैसे एक्स पावर 5 बाय 11 है तो 5 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को डिनोमिनेटर में जो आ रहा है नंबर उससे प्रॉब्लम है, सो आई कैन थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू टी टू द पावर 11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा सो हियर आई गेट टी टू द पावर 5 ठीक है। ये हो गया दो पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है सर्च फॉर एफ एंड एफ डैश पेयर, सर्च फॉर एफ एंड एफ डैश पेयर where search for f and f dash pair where f dash must be pergent with dx ठीक है। कहने का मतलब कि मैं इसे सर्च करूंगा जो भी मेरे पास कंबर्सन से एक्सप्रेशन दे रखा है तो उनमें से सोचूंगा कि कोई फंक्शन अगर मैं f बोल रहा हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन मेरे को dx के साथ में मिल जाएगा या नहीं, अगर मिल गया तो वहां पे अपन f को t पुट कर देंगे ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 बोल रहे हैं इन ए कंपोजिट फंक्शन वी जनरली थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और पुटिंग आर्ग्यूमेंट इक्वल टू टी। अगर कोई भी कंपोजिट फंक्शन है तो जनरल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उसका आर्ग्यूमेंट उसको टी पुट करेंगे फिर देखेंगे कि उस आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन डीएक्स के साथ में जनरेट हो रहा है या ठीक है। दिस मे और मे नॉट वर्क बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द वन लाइन ऑफ थिंकिंग, तो एक थॉट अपना ऐसे जाना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से नहीं हो रहा है तो अभी तो बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे अपन, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन तो हो सकता है कि वो सब सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा तो और मेथड भी लग जाएंगे, बट आई एम टेलिंग दिस मस्ट बी योर लाइन ऑफ थिंकिंग ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी पॉइंट नंबर 5 का क्या है, इफ एफ डैश एक्स डीएक्स पेयर इज परजेंट, मतलब एफ डैश एक्स और डीएक्स पेयर एक साथ परजेंट है, इज परजेंट देन सर्च फॉर
search for fx and put fx equal to t. ठीक है, अगर मैंने कहीं पे ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है और वो dx के साथ ही परजेंट है, तो मैंने क्या किया f dx का इंटीग्रेट किया, तो मेरे को पता चल गया वो fx है। अब मैंने उस पूरे इंटीग्रल में ऐसे सोचा कि fx मेरे को कहीं मिल जाएगा क्या, तो मिल गया तो मैंने उसको t सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वो t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो उसका डिफरेंशिएशन और dx एक साथ मिल गए, तो वो सारा कंबाइन हो जाएगा dt में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। ठीक है, तो जब अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहे थे वहां पे अपने साइन एक्स का इंटीग्रेशन देख लिया था, दैट इज माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन देख लिया दैट इज साइन एक्स, तो वहां पे अपने दो तीन टाइप के इंटीग्रेशन छोड़े थे, दैट इज टेन एक्स का, कोट एक्स, सेक एक्स, कोस एक्स, वो अपन अब देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रल टेन एक्स, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रल टेन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने टेन एक्स को साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज साइन एक्स बाई कोस एक्स। ठीक है, अब इसमें मैं सोचूं कि अगर मैं cos x को t पुट कर दूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा, इसका मतलब cos x को t पुट करने पे इसका डिफरेंशिएशन मेरे को dx के साथ में मल्टीप्लाई में मिल जाएगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया इसमें पुट cos x इक्वल टू t, अगर cos x को t पुट कर दिया सो फ्रॉम हियर आई विल गेट माइनस ऑफ साइन x dx इक्वल टू dt, तो माइनस को उधर ले गए, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। यहाँ पे इंटीगल साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो माइनस को इंटीगल साइन के बाहर ले लिया और डी टी डिवाइडेड बाई कोस एक्स की जगह टी इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी बाई टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, दैट इज लॉग ऑफ मोड टी प्लस सी। अब टी को वापिस मैंने क्या किया, टी को वापस मैंने एक्स के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया, सो माइनस लॉग मोड कोस एक्स प्लस सी, अब ये माइनस है, माइनस को लॉग के आर्गुमेंट के एक्सपोनेंट में ले गए, सो दिस विल बी लॉग ऑफ कोस एक्स पावर माइनस वन प्लस सी, तो ये तो ऐसा हो जाएगा लॉग मोड वन ओवर कोस एक्स, वन ओवर कोस एक्स क्या होता है सेक एक्स, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी, तो ये इसका फॉर्मूला गया और इसको अच्छे से रट्टा मार लिया। इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स क्या होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी, तो अपन इसको बोलेंगे मेमोराइज। ठीक है, ये तो आ गया टेन एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना कोट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते, तो सेकंड है अपना कोट एक्स का इंटीग्रेशन। कोट एक्स को भी इसी टाइप से मैंने ब्रेक कर लिया, कोटक्स को लिख लिया कोस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, अब क्या किया इसमें साइन एक्स को टी पुट कर दिया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है मेरे को, तो साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, तो यहाँ से आ रहा है मेरे पास कोस एक्स डी एक्स को डी टी और साइन एक्स की जगह क्या आ रहा है टी, तो डी टी बाई टी क्या होता है एल एन मोड टी प्लस सी, ये हो गया एल एन मोड टी की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया साइन एक्स प्लस सी, तो इस टाइप से अपना इंटीग्रल ऑफ कोट एक्स कितना आ गया दैट इज लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, तो ये अपना आ गया इंटीग्रल ऑफ कोट एक्स, मतलब कोट एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है दैट इज लॉग मोड साइन एक्स, इसको भी अच्छे से रटा मान लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थर्ड अपने को सेक एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपना सेक एक्स का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x। ठीक है, अब क्या किया मैंने यहाँ पे sec x प्लस tan x जो डिनोमिनेटर में उसको अपन t पुट कर सकते हैं क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन मेरे को न्यूमरेटर में मिल जाएगा, तो पहले तो मल्टीप्लाई के लिए न्यूमरेटर को sec स्क्वायर x प्लस sec x into tan x divided by sec x plus tan x into dx। अब मैंने क्या किया put
secx प्लस tanx इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन किया दोनों साइड, तो secx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा secx tanx प्लस tanx का डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec स्क्वायर x इनटू dx इक्वल टू dt। फर्दर सिंपलीफाई किया इंटीग्रल, sec स्क्वायर x प्लस secx tanx इनटू dx की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं dt, ये तो dt में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा t। तो dt by t क्या होता है अपना अगेन ln mod t plus c। अब t की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया secx plus tanx, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अपने पास क्या मिला इंटीग्रल secx dx क्या आ गया मेरे पास ln mod secx plus tanx plus c। और यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जैसे secx को 1 over cos x लिख दिया, इसको sin x over cos x लिख दिया, अब फॉर्मूले लगा के तुम देखना इसको अपन ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ln tan pi by 4 plus x by 2। तो ये इसके दो दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट है अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ किसका इंटीग्रेशन दे गया अपने पास दैट इज cosecx। cosecx का इंटीग्रेशन निकालने के लिए इस बार मैंने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cosecx माइनस cotx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो cosecx माइनस cotx डिवाइडेड बाई cosecx माइनस cotx। ठीक है, तब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया डिनोमिनेटर को मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो cosecx माइनस cotx इक्वल टू t। तो cosecx का डिफरेंशिएशन क्या होता है दैट इज माइनस cosecx इंटू cotx प्लस माइनस cotx का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो एक माइनस पहले से ही हो जाएगा प्लस cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब इन दोनों में से मैंने cosecx कॉमन ले लिया, तो cosecx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे cosecx माइनस cotx dx इक्वल टू dt। सिंप्लीफाई किया तो यहां से मिल जाएगा मेरे को न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन आ रहा है dx, उसको तो मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ dt। ये तो dt हो गया डिवाइडेड बाई t, dt upon t क्या होता है ln mod t plus c। t को वापस रिप्लेस कर दिया cosecx माइनस cotx से। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया इंटीग्रल ऑफ cosecx dx इक्वल टू ln mod cosecx माइनस cotx प्लस c। और उसी टाइप से जिस टाइप से इसको अपन ने secx प्लस tanx को इसमें कन्वर्ट किया था इसी टाइप से आप इसको करके देखना cosecx माइनस cotx विल गेट कन्वर्टेड इनटू ln mod tanx by 2 प्लस c। यहाँ पे इस टाइप के फॉर्मूले लगेंगे कि 1 प्लस cos x और 2 cos square x by 2 लिख दिया, 1 माइनस cos x और 2 sin square x by 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हाफ एंगल इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने ये चार क्या देख लिए चार स्टैंडर्ड फॉर्मूले देख लिए tanx का cotx का secx का और cosecx का। tanx का क्या आंसर क्या आ रहा है log secx और cotx का log sin x, secx का दो फॉर्मूले हो गए ln mod secx plus tanx plus c और ln mod tan pi by 4 plus x by 2 plus c। और cosecx का क्या हो गया ln mod cosecx minus cotx plus c और ln mod tanx by 2 plus c। बट NCERT की बुक में यही दे रखा है तो मोस्ट प्रोबली विल बी यूजिंग फर्स्ट वन ओनली। ठीक है, तो इस टाइप से ये यूज करें। नाउ वी सॉल्व द एग्जांपल्स बिफोर एक्सरसाइज 7.2। शो एग्जांपल नंबर 5 सेज इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन दे रखा है साइन एम एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, इसको तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन के भी अपन कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि साइन के आर्गुमेंट में लीनियर लिख रखा है, लीनियर लिख रखा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको एक्स की तरह ट्रीट कर लिया और साइन का इंटीग्रेशन लिख दिया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लीनियर में एक्स का कोफिशिएंट क्या है एम, तो इससे डिवाइड कर दिया प्लस सी। ये तो डायरेक्ट आंसर है, इसको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहिए तो मैंने क्या किया जो साइन के आर्गुमेंट में उसको टी से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ गया टी बाई एम। दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो फ्रॉम हियर आई विल गेट डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई एम। सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे
तो साइन एम एक्स की जगह मैंने टी पुट कर दिया, डी एक्स डी टी बाई एम, एम को मैंने इंटीग्रल साइन के बाहर ले लिया क्योंकि एम इज कॉन्स्टेंट। वन ओवर एम साइन टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कोस टी, और फाइनली क्या ऐड कर देंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो फ्रॉम हियर आई गेट माइनस वन बाई एम कोस टी, टी की जगह वापस क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एम एक्स प्लस सी। तो ये किसका इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रल साइन एम एक्स। तो साइन एम एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस वन बाई एम कोस एम एक्स प्लस सी। ठीक है, लेट्स मूव टू द पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड बोल रहा है इंटीग्रेट टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि साइन के आर्गुमेंट में जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर उसको टी से रिप्लेस कर दिया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू एक्स, और वो डी एक्स के साथ में प्रेजेंट है तो अपना काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टी, तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, वन का जीरो, तो टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टी। तो अब इसमें क्या हो गया, इतना इतना पास्ट तो डी टी के साथ चला जाएगा, टू एक्स इंटू डी एक्स तो डी टी के साथ चला जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, इंटीग्रल साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह टी, टू एक्स डी एक्स डी टी के साथ चला जाएगा। तो साइन टी डी टी का इंटीग्रल पता ही, साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस कोस टी प्लस सी। तो टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स के टर्म्स में, दैट इज माइनस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास टेन टू द पावर फोर रूट एक्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो इसको लिखिए, क्या बोल रखा है, टेन टू द पावर फोर यहाँ पे रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था कि जब रेडिकल साइन आ रहा है तो रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे कि रेडिकल साइन रिमूव हो जाए। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन तो मैंने क्या किया, पुट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, डी एक्स इक्वल टू टू टी इंटू डी टी। तो देखा यहाँ पे क्या रहा है, टेन टू द पावर फोर रूट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर रखेंगे तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, टी। यहाँ पे क्या आएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, रूट एक्स का वैल्यू अगेन टी डिवाइडेड बाई टी इंटू डी एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टू टी इंटू डी टी। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और टू है कॉन्स्टेंट ऑफ उसको इंटीग्रल साइन के बाद ही है। टू इंटीग्रल टेन टू द पावर फोर टी इंटू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब क्या केस में, अभी एक नया क्वेश्चन बन गया, इसमें मैं जब टेन टी को अगर मैं किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दूँ, टेन टी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी वो मिल जाएगा। तो मैंने इस बार क्या किया, टेन टी को मैंने जेड से रिप्लेस कर दिया नया वेरिएबल। तो टेन टी का डिफरेंशिएशन क्या, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी इक्वल टू डी जेड। तो यहाँ से क्या आएगा, टू टाइम्स जेड टू द पावर फोर इंटू डी जेड। अब इसमें एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगा दिया, दैट एक्स पावर एन प्लस वन हो गया एन प्लस वन फाइव डिवाइडेड बाई फाइव प्लस सी। तो टू बाई फाइव जेड की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज टेन टी होल पावर फाइव प्लस सी। अब टी का वैल्यू क्या पुट करेंगे, टी की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, रूट एक्स। तो यहाँ से क्या जाएगा, टू बाई फाइव टेन टी को रिप्लेस कर दिया रूट एक्स से होल पावर फाइव प्लस सी। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दो दो अपने सब्स्टिट्यूशन यूज किए, एक तो एक्स को मैंने टी स्क्वायर में टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट किया ताकि मेरा रेडिकल साइन से छुटकारा पा सके। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मैंने इसलिए किया क्योंकि टेन टी का डिफरेंशिएशन मेरे को सेक स्क्वायर टी डी टी के साथ में मल्टीप्लाई में दिख रहा था। ठीक है, तो दो दो सब्स्टिट्यूशन किए और उन सब्स्टिट्यूशन को ब्रेक सब्स्टिट्यूट करके वापस एक्स के टर्म्स में आंसर लेके आ गए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करना है। तो इसमें दिख रहा है अगर मैं साइन के आर्गुमेंट में है जो उसको टी सब्स्टिट्यूट कर दूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या था, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर वो लिखा है, वो डी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में भी है। तो यहाँ पे क्या किया, पुट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर वन प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। अब क्या किया, इंटीग्रल साइन टेन इनवर्स एक्स की जगह टी सब्स्टिट्यूट कर दिया और जो इतना इतना पोर्शन है डी एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर ये किस में चला जाएगा, डी टी में। अब ये तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया, साइन टी का इंटीग्रल सबको पता है, दैट इज माइनस कोस टी प्लस सी। अब क्या करना पड़ेगा, टी को हटाना पड़ेगा, टी की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा,
tan इनवर्स x, तो ये हो गया माइनस cos tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। पहला इंटीग्रल है sin cube x into cos square x dx, इसको सब्स्टिट्यूशन का हेल्प करके निकालना है। मैंने क्या किया, sin cube x into cos square x dx, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, sin cube x है, इसमें से एक sin बाहर निकाल लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, sin square x into cos square x into sin x dx, ठीक है। इस sin square x को मैंने cos square x में कन्वर्ट कर लिया, so that is 1 minus cos square x into, यहाँ पे क्या जाएगा, cos square x into sin x dx। इसके पीछे पर्पज क्या है, कि मेरे पास f dx into dx पे मिल गया। अब मेरे को देखना है कि sin x किसके डिफरेंशिएशन से मिलेगा cos x से, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे सब जो है cos x है, cos x को मैंने t put कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन sin x मिल जाएगा। So here I substitute put cos x equal to t, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू डी टी। मेरे को साइन एक्स डी एक्स चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, सो फ्रॉम देयर आई विल गेट साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, माइनस कॉन्स्टेंट है, माइनस साइन को बाहर ले लिया, इंटू डी टी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। अब दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट इंटीग्रल टी पावर 4 डीटी माइनस इंटीग्रल टी स्क्वायर डीटी। अब दोनों में एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, टी टू द पावर 4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो 1 ओवर 5 टी, टी की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, cos x पावर 5 माइनस 1 ओवर 3 t की जगह क्या जाएगा, cos x होल पावर कितना जाएगा, 3 प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x अपॉन sin x प्लस a, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, sin x अपॉन sin x प्लस a dx। इसमें क्या किया, जो डिनोमिनेटर में आर्गुमेंट है x प्लस a, इसको t से रिप्लेस कर दिया, तो x प्लस a को क्या किया, t। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, t माइनस a, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो dx इक्वल टू dt, a यहाँ पे कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो a का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे रखा क्या आएगा, साइन ऑफ x की जगह मैंने पुट कर दिया t माइनस a अपॉन साइन x प्लस a की जगह t और dt। अब न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया, दैट इज साइन a माइनस b, साइन a माइनस b क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन टी। अब साइन टी को दोनों टर्म्स के नीचे लिख दिया, तो फ्रॉम हियर आई विल गेट इंटीग्रल साइन टी कोस ए इंटू साइन टी माइनस इंटीग्रल कोस टी साइन ए डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी, और यहाँ भी क्या आएगा डी टी, यहाँ पे साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा cos a। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है, तो cos a कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसको बाहर ले लिया, सो आई विल गेट cos a into इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल, यहाँ पे cos t अपॉन sin t क्या हो जाएगा मेरा, cot t, और sin a अगेन मेरा कॉन्स्टेंट है, तो sin a को मेरे को बाहर लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 तो x होता है, तो दिस विल बी x into cos a माइनस sin a बाहर आ जाएगा, और अंदर मेरे पास बचेगा cot t। cot t का डिफरेंशिएशन तो पता है, cot t का इंटीग्रेशन पता है, दैट अभिषेक क्या है, दैट इज log ऑफ mod sin t प्लस c। अब मैंने मेरे को क्या करना है, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है, तो यहाँ भी क्या आएगा t, तो dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा t। अब जिस जिस जगह पे t है उसको मेरे को किससे रिप्लेस करना है, x प्लस a से, तो इसको रिप्लेस किया तो यहाँ पे आएगा x प्लस a इंटू cos a माइनस sin a log mod साइन x प्लस a प्लस c। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल 1 ओवर 1 प्लस tan x। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मैंने tan x को sin cos में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज sin by cos, cos को ऊपर ले गए, ये आ जाएगा cos अपॉन sin प्लस cos, ठीक है। अगली स्टेप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 cos डिवाइडेड बाई sin प्लस cos। अब 2 cos को मैंने ऐसे लिख लिया 1 ओवर 2
इसको ऐसे लिख दिया साइन प्लस कोस माइनस साइन, मैंने साइन एक्स एड कर दिया, साइन एक्स ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल dx प्लस 1/2, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को भी पुट कर दिया क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, sin x प्लस cos x को मैंने क्या पुट कर दिया, sin x का डिफरेंशिएशन किया cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x, तो sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो प्लस और माइनस माइनस, और ये हो गया cos x माइनस sin x dx = d, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, तो आई गेट 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 इंटीग्रल, ऊपर तो dt आ जाएगा नीचे t, so from here I get x by 2 plus 1/2 dt upon t का इंटीग्रल क्या होता है ln mod t plus c, ये हो गया x by 2 plus 1/2 ln mod t, t की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ sin x plus cos x, so that will be sin x plus cos x mod plus c, तो ये इस प्रकार से ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। So I hope that's enough for this lecture, and in next lecture we'll solve the question of exercise 7.2. So that's enough for this lecture, and I'll see you in next video. Till then, keep watching this lecture, and I'll see you in the next lecture.